दोस्तों, काफी दिनों से आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि मेडिटेशन कैसे करें, तो आज हम देखते हैं कि किन किन तरीकों से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 8। आई एम द सीक्रेट सिलेबल ओम इन द वेदिक मंत्रास। आई एम द साउंड इन ईथर। मैं ओम हूं, मैं आवाज हूं पूरे ब्रह्मांड की। अगर हम इस रिलीजियस टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं भगवान को साउंड के साथ जोड़ा गया है, और भगवद गीता के अकॉर्डिंग वो आवाज ओम है जो हर जगह अवेलेबल है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो बाइबल में मेंशन है, इन द बिगनिंग देयर वाज अ वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। यानी शुरुआत में एक शब्द था, वो शब्द भगवान के साथ था और वो शब्द भगवान था। ऑब्वियसली इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि वो शब्द ओम था, लेकिन यहाँ पर भी भगवान को साउंड के साथ जोड़ा गया है। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कैंडल लेते हैं और उसके अंदर जूम करते हैं तो आपको बहुत सारे एटम्स दिखाई देंगे। अगर एटम्स के अंदर आप जूम करते हैं तो आपको एक न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हुए दिखाई देंगे। अगर आप न्यूक्लियस के अंदर भी जूम करते हैं तो आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स दिखाई देंगे। अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर भी जूम करते हैं तो आपको क्वार्क्स दिखाई देंगे। अब फिजिक्स की लेटेस्ट थियोरी स्ट्रिंग थियोरी के अकॉर्डिंग इन क्वार्क्स के अंदर भी एक बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो एक रबर बैंड की तरह है, एक स्ट्रिंग की तरह, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। और हमें पता है कि हर वाइब्रेटिंग चीज साउंड प्रोड्यूस करती है। ये थियोरी प्रूवन नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो दुनिया की हर चीज इस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बनी है। यानी मॉडर्न साइंस की लेटेस्ट थियोरी हमारे रिलीजियंस की एंशियंट थियोरी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सर आप इतनी फिजिक्स क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि आज हम आपको दो टाइप ऑफ मेडिटेशंस बताएंगे, एक बेसिक और एक उससे थोड़ी एडवांस, और उनमें से एक इस साउंड से रिलेटेड है। अगर हम दोबारा से मॉडर्न साइंस की बात करें तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक टाइम पर पूरा यूनिवर्स बहुत ही छोटा और बहुत ही डेंस था, इनफाइनाइटली स्मॉल एंड इनफाइनाइटली डेंस। इस वक्त पर एक ब्लास्ट हुआ जिसे बोला जाता है बिग बैंग, और वहीं से यूनिवर्स की शुरुआत हुई, और तब से लेके अब तक एक रेडिएशन यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB। और अगर हम रिलीजन की बात करें तो इंडियन रिलीजन बोलता है कि शुरुआत में ब्रह्मांड विस्फोटक हुआ था, यानी ब्रह्मांड का ब्लास्ट हुआ था, विस्फोट हुआ था, और उसके बाद ही गैलेक्सीज पैदा हुई, मंदाकिनी, और तब से लेके अब तक एक साउंड पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल है जिसे ओम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ओम मेडिटेशन की बात करते हैं। ओम एक तीन सिलेबल वर्ड है, आ, उ और म। ये तीनों साउंड एलिमेंट्री साउंड्स हैं और हर नई साउंड के लिए एक बेसिस है। जैसे कि कलर्स में RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी कलर बनाया जा सकता है, वैसे ही इन तीन साउंड से कोई भी नई साउंड बनाई जा सकती है। और इन तीनों साउंड के लिए टंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानी एक गूंगा आदमी भी इन साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 2010 में गुरु पूर्णिमा के दिन बॉस्टन में एक लेडी ने रिसर्च करी। उन्होंने ओम की फ्रीक्वेंसी को और अर्थ की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी को मैच किया और वो एग्जैक्टली सेम आई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अर्थ भी ओम ही बोलने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि हम ओम मेडिटेशन के प्रोसेस को सीखें, पहले हम इसके तीनों सिलेबल को एक बार फील कर लेते हैं। सबसे पहले हम म को फील करेंगे। एक्चुअल में ये म नहीं है, ये म है, यानी आपको अपने लिप्स जोड़ के हमिंग की आवाज निकालनी है। अब इस लेबल को फील करने के लिए आप अपनी आंखें बंद करें, एक डीप ब्रेथ इनहेल करें और अपने फेस पे हाथ रख के ये साउंड प्रोड्यूस करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने फेस पर वाइब्रेशंस महसूस होंगी जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस प्रोसेस को दोहरा के इन सिलेबल को फील कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सिलेबल इसे फील करेंगे। इसके लिए आप अपना हाथ चेस्ट पर रख सकते हैं, आंखें बंद कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और एक्सहेल करते हुए ये साउंड प्रोड्यूस कीजिए। अब आप ये वाइब्रेशंस चेस्ट पर ज्यादा महसूस करेंगे और फेस पर काफी कम। अब हम फाइनल सिलेबल महसूस करेंगे। इसके लिए आपको अपना हाथ अपनी चेस्ट से थोड़ा नीचे रखना है। कई लोगों को ये साउंड नाभि के पास महसूस होती है, कईयों को नीचे, कईयों को थोड़ा सा ऊपर, तो आप अपने हाथ की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दोबारा से एक डीप ब्रेथ लीजिए, आंखें बंद कीजिए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे ये साउंड प्रोड्यूस कीजिए।
होपफुली ये साउंड आपको स्टमक के आसपास महसूस हो गई होगी। अब जब भी आप ओम मेडिटेशन करेंगे तो एक नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, एक चेयर पे या फिर नीचे ग्राउंड पर, प्रेफरेबली एक शांत कमरा हो जहां पर आप आंखें बंद करके इन तीन सिलेबल को प्रोनाउंस करेंगे। आप हर बार एक डीप ब्रेथ लेंगे और उसके बाद एक्सहेल करते हुए ये तीनों लेटर्स बोलेंगे। और अगेन कंटिन्यूसली आप इसे 11 से 15 बार चैंट करेंगे और हर बार आपको एनर्जी वाइब्रेशंस पहले स्टमक के आसपास, फिर चेस्ट के आसपास और फाइनली माइंड के आसपास महसूस होगी। सेकेंड टाइप ऑफ मेडिटेशन आती है जब आप अपनी बॉडी के अंदर चल रही एक्टिविटीज और अपनी बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। इस मेडिटेशन में आपका गोल रहता है कि प्रेजेंट मूवमेंट में हो रही सब चीजों को आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ना उसे चेंज करने की कोशिश करनी है, ना उसको एनालाइज करने की कोशिश करनी है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और अगर आप इतना भी अचीव कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रिलैक्स स्टेट में बैठना है, प्रेफरेबली चेयर। उसके बाद 3 से 4 डीप ब्रेथ्स लेनी है। इनहेल नाक से करना है और एक्सहेल मुंह से करना है। अब आप नेक्स्ट ब्रेथ में एक्सहेल करते करते अपनी आंखें बंद कर देंगे और सबसे पहले फील करेंगे अपनी बॉडी को। आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी कहां कहां पर चेयर या फ्लोर के साथ टच कर रही है, आपके हाथ और चेयर के बीच का कंटैक्ट, आपके पैर और फ्लोर के बीच का कंटैक्ट, आपकी पीठ और पीछे चेयर का कंटैक्ट, और इसके बीच में शायद आपको कोई थॉट आ सकता है। आप अपने दिमाग को जहां जाता है उसे जाने दीजिए। और जब आपको याद आता है कि आप मेडिटेशन कर रहे थे तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि अभी आप कुछ सोच रहे थे या फिर कुछ महसूस कर रहे थे और उसको लेबल कर दीजिए। यानी अगर आप कुछ सोच रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में तो उसे बोलिए थॉट। अगर आप कुछ महसूस कर रहे थे, कुछ गुस्सा, खुशी या चिड़चिड़ापन, तो उसे लेबल कर दीजिए फीलिंग। और दोबारा से अपनी बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कॉन्टैक्ट्स को। उसके बाद अपने आसपास वाली आवाजों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, शायद कोई फैन की आवाज, एयर कंडीशनर की आवाज, कार्स की आवाज, आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। सिर्फ उन्हें कामली ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद अपनी ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि किस तरह से आप एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। अगर ब्रेथ पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो अपना हाथ अपने स्टमक के ऊपर रख लीजिए, जिससे आप प्रेजेंट मूवमेंट, अपनी प्रेजेंट ब्रेथ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। फिर दोबारा से अपने थॉट को जहां पे जाता है उसे जाने दीजिए और ऑडियंस बनकर ये देखिए कि वो कैसे रिएक्ट करता है, किस चीज के बारे में सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। और दोबारा से अपनी ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये प्रोसेस आपको सिर्फ 3 से 6 मिनट ही करना है। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं मेडिटेशन के तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप YouTube में टाइप कीजिए गाइडेड मेडिटेशन इन हिंदी और इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं, और 3 से 6 मिनट का कोई सेशन डाउनलोड कर लीजिए। और जब भी आपने मेडिटेशन करनी हो तो उसे प्ले करके उनके साथ साथ मेडिटेशन कीजिए। इससे आप ज्यादा इफेक्टिव मेडिटेशन कर पाएंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ऐप की लॉन्च डेट थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी, तो कृपया पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि हम आपके गीगल की ऐप जल्दी ही लॉन्च कर देंगे।